CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। नमस्कार, मैं हूं राज पांडे, आप देख रहे हैं CEN News। आइए देखते हैं आज की खास खबर। 47 वर्षीय महिला प्रिया कुलकर्णी ने शिवसेना और भाजपा पार्टी के ऊपर FIR को लेकर मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। 2 दिसंबर 2019 को होगी सुनवाई। बता दें कि साल 2019 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा और शिवसेना पार्टी ने महायुति के साथ एक बड़े फॉर्मूले तैयार करके चुनाव लड़ा और बहुमत के आंकड़े को। नमस्कार, मेरा नाम प्रिया कुलकर्णी चौहान है और मैं महाराष्ट्र की मतदार हूँ। हमने मत दिया है शिवसेना बीजेपी को, इनकी ज्वाइंट सरकार को, लेकिन अब ये जाकर अलग अलग पार्टियां बनाने लगे और हमारे मतदारों का इन्होंने अपमान किया है। इस वजह से मैंने मुंबई उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है कि इनके ऊपर एक तो इनको साथ में सरकार बनाई जाए इन्होंने, या फिर इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, क्योंकि इन्होंने मतदारों का मन दुखाया है और हमारा अपमान किया है। ये हमने इनको, इनका जो पिछले 5 सालों में काम था वो काम अच्छा था और हमें लगा था कि अब की बार भी हम इनको चुन के देंगे तो ये गरीब किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और बहुत से अपंग लोग हैं उनके लिए कुछ ये अच्छा काम करेंगे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। ये अपनी अपनी कुर्सी बचाने के लिए मुझे 250 चाहिए, उसको 250 दो, इसमें लोग कांग्रेस NCP के साथ चले गए और भी बहुत से जो पार्टी है उनको साथ में ले लिया इन्होंने। तो क्या मतदाता तो आज की तारीख में सभी नाराज है, सिर्फ इनकी जो पार्टियों में कार्यकर्ता है, जिनको कार्यकर्ता बोला जाता है, यही इनके साथ है। नहीं तो महाराष्ट्र की जनता आज की तारीख में उनके साथ नहीं है। जो आज की तारीख में महाराष्ट्र में सरकार बना रहे उनके साथ कोई भी जनता इनके साथ नहीं है, सिर्फ इनके कार्यकर्ता इनके साथ। लाखों लोग है, हजारों लाखों लोग है, लेकिन कोई आवाज उठाता है, कोई नहीं उठाता है। मुझे लगा कि मैंने आवाज उठाना चाहिए इस सब के खिलाफ, इसलिए मैंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। इस NCP की जो ये अभी मिली जुली खिचड़ी इनकी बनी है, सरकार चल रही है तो ज्यादा दिन टिकने वाली है नहीं, फिर कुछ ना कुछ होगा इनका। मैं तो अभी भी चाहती हूँ कि BJP और शिवसेना साथ में आके सरकार बनाए, मैं तो फिर इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हूँ। इनकी जो मोनोपोली होती है, मतलब ये जो बंद कमरे में आपस में 2.5 साल की कुर्सी, मेरे इतने मुख्यमंत्री, उनके उतने मुख्यमंत्री रहेंगे, जो भी इनका अंडरस्टैंडिंग होता है तो ये लिखित में हो, कोर्ट के अंदर हो और ये हमारी जनता को, हमको बताया जाए कि हमारे दोनों के अंदर ऐसा ऐसा हम लोग का लिखित में हुआ है और ये हिसाब से अभी हम लोग आगे चले गए, क्योंकि वो जनता के सामने शो होना चाहिए कि हमारे साथ ऐसे जो भी ये लोग का कुछ गठबंधन होता है। नाराज तो सभी है और ये बड़ी पार्टी है, इनके बोलते ना इनको कौन आगे जाके कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है इनके, लेकिन यही है नाराज तो सभी है। आने वाले चुनाव जो अगले है उनमें इनके औकात इनको दिख जाएगी है। तो राजनीति थोड़ी रह गई है सर, ये तो गंदगी हो गई है पूरी और आज इन्होंने हमारे महाराष्ट्र को दाव पे लगा दिया है। मैं एक महिला हूँ, मैं जो सोचती हूँ और जैसा मैं दूसरी महिलाओं के बारे में सोचती हूँ कि उनके मन में क्या चल रहा होगा, तो मैं तो कम से कम 80-90% महिला इससे प्रभावित है। नागरिक तो इनके कोई इसमें बैठते ही नहीं है, इनको तो सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे यूज किया जाता है, 300 रुपया लो चलो हमारे साथ में, इधर ही खत्म हो जाती है उनकी बात। इनको तो सिर्फ यूज एंड थ्रो रखा है इन्होंने, लेकिन इतना है कि अभी ना गया, हम आम जनता है, अब जनता इसी की लगे, अब जो हमने देखा है इस इलेक्शन में और जो अभी ये जो सरकार बनी है, तो इनको जवाब मिल जाएगा। मैं जो पार्टी मुख्य है उनको जिम्मेदार मानती हूँ। किस प्रकार के साहब हो गए, उद्धव जी हो गए, इनको मैं जिम्मेदार मानती हूँ। ये तो कांग्रेस और NCP के औकात नहीं इनके साथ आके सरकार बने। तो जो कांग्रेस और NCP के साथ में अभी माननीय उद्धव साहब जो है कांग्रेस सरकार बनाने जा रहे हैं, तो ये कितना परसेंट सही रहा, कितना परसेंट ये अपने फायदे के लिए कर रहे हैं? अभी देखिए, जनता का किसी ने सोचा नहीं है, जनता का सोचते तो साथ में सरकार बनाते, BJP शिवसेना साथ में सरकार बनाती, तो जो इनको जो जनादेश जनता ने दिया है तो ये साथ में मिलके बनाते, लेकिन ये साथ में नहीं बना रहे, ये अपनी कुर्सी देख रहे CM पद के लिए। इन्होंने आज BJP को छोड़ के कांग्रेस NCP के साथ चले गए, किसके लिए गए? फायदे के लिए गए। अच्छा, हिंदुत्व के मुद्दे पे हम शिवसेना सॉरी राष्ट्रवादी कांग्रेस को हम इधर करेंगे, ये नालायक लोग हैं, ऐसे ये लोग भाषण देते जब देते, तो आज साथ में क्यों बैठे ये? मैं जनता को यही संदेश देना चाहती हूँ कि सब साथ में आए, सब मेरा साथ दे और जो गलत हो रहा है उसको रोकने में मेरा साथ दे लोग। मैंने हिम्मत की है, आप भी हिम्मत कीजिए
और हो सके तो जितना हो सकता है बीजेपी और शिवसेना को साथ में लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनकी जरूरत है हमारे देश को। हाई कोर्ट में कौन सी तारीख आपको मुक्कल हुई है अभी? मुझे 2 तारीख हुई है, 2 दिसंबर के मुद्दे पे झूठ बोल के कि हम साथ में अलायंस बन के साथ में रहेंगे हम लोग, लेकिन अभी अलग हो चुके हैं, हमने इनको साथ में देखना चाहते हैं हम सर। हम जो हमको उच्च न्यायालय से न्याय नहीं मिलता है तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, हम लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे। और इनको वोट दिया गया है तो मैंने अकेले नहीं दिया है, जो किसान भाई जिन्होंने इनसे उम्मीद लगा रखी थी कि महाराष्ट्र की सरकार जो बीजेपी शिवसेना की सरकार आएगी ये हमको मदद करेगी, लेकिन अभी इनके स्वार्थ की वजह से सब ये हो गया। ठीक है, उद्धव साहब ने बोला है कि हम इनको पूरी कर्ज माफी देंगे, ये सिर्फ बोलने वाली बात है, जिस दिन वो करेंगे उस दिन देखेंगे, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। और जो मतदाता भाइयों ने उनको वोट दिया उनके साथ भी, मतलब किसान भाइयों के साथ भी धोखा हुआ है। मैं मतदाता हूँ, मेरे साथ धोखा हुआ है। 2 दिसंबर को मैं हाईकोर्ट जा रही हूँ, मैं चाहती हूँ बाकी के जो मतदाता है जो मानते हैं कि उनके साथ भी धोखा हुआ है वो मेरे साथ आइए हाईकोर्ट के अंदर, मेरा साथ दीजिए और इस लड़ाई में आप भी मेरा साथ दीजिए, मैं भी उनका साथ दूंगी और इसको आगे लेके जाते हैं। और जो कुछ ये चल रहा है, ये सब धोखाधड़ी जो हमारे साथ चल रही है, इसको हम लोग किधर तो भी रोक सकते हैं, क्योंकि हम मतदाता है और हमारा हक कैसा लेना ये हमें मालूम है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सब भी मेरे साथ आइए।